प्रकाश, दो और ले लो। पीएनआर नंबर है 23278, 78 नंबर मेरा सीट है, यहाँ आकर बैठ जाइए। जय हिंद मेरे रेल फैंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, भगवान करे सारा जीवन आप लोग खुशी रहे। स्वागत है आपका एक और नई रेल सफ़र में। फिलहाल मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में और आज हम फिर से हरियाणा और पंजाब को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और आज हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 04027 नई दिल्ली और पंजाब के लोहिया खास के बीच चलने वाली सरबत द भला एक्सप्रेस लगी हुई है नई दिल्ली के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ये गाड़ी यहाँ चलेगी सुबह 7 बजे और लोहिया खास जंक्शन पहुँचेगी दोपहर 2:50 में, यानी लगभग 440 किलोमीटर की इस दूरी को हम तय करेंगे लगभग 8 घंटे में। अच्छा, हफ्ते में ये गाड़ी 5 दिन चलती है, मंडे और फ्राइडे नहीं चलती है और ये भी LHB वाइड ट्रेन है। सेकेंड सीटिंग में जर्नी करने वाले हैं, पूरा ट्रेन में एक AC चेयर कार को छोड़कर सारे कोच सेकेंड सीटिंग के ही है। शुरू करते हैं इस ट्रेन जर्नी को, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं इसके लोकोमोटिव पर। तो डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है ये सरबत द भला एक्सप्रेस। शायद जिस रूट से ये गाड़ी जाती है वो रूट इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। और ये है इस सरबत द भला एक्सप्रेस का सेकेंड सीटिंग का इंटीरियर, अति आधुनिक दीनदयालु कोच लगा हुआ है इसमें, जिसमें आपको मिलेंगे ऊपर भी सीट, हर तरफ चार्जिंग पॉइंट और बहुत सारी फैसिलिटीज़। चार्जिंग पॉइंट देखिए, 2 इस साइड दिया हुआ है और 2 उस साइड, बाकी साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। फिलहाल हमारी ट्रेन चल चुकी है नई दिल्ली के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 10 मिनट लेट, 7 बजे इसका चलने का टाइमिंग था, गाड़ी 10 मिनट लेट चली है यहाँ से। कुछ और लगी हुई है शताब्दी एक्सप्रेस। हमारी सरबत द भला एक्सप्रेस स्किप कर रही है दिल्ली सदर बाजार, सामने जा रही है AP एक्सप्रेस की रेक, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस जो कि चलती है विशाखापट्टनम और नई दिल्ली के बीच दया बस्ती। आप लोग जाइएगा रोहतक, थोड़ा से के लिए, मतलब थोड़ा से के लिए D1 है, D1 इसी में भी बैठ जाइए ना। तो अब हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के झज्जर जिले का बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन, गेटवे ऑफ हरियाणा ही बोल सकते हैं इसे, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर ही पड़ता है। ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है ये बहादुरगढ़ और इसका यहाँ 2 मिनट का स्टॉप था, लेकिन गाड़ी 1 मिनट भी सही से नहीं रुकी, गाड़ी आधे घंटे लेट है। इसका यहाँ आने का टाइमिंग है 7:45, लेकिन ये गाड़ी यहाँ आई है 8:15 में। बहादुरगढ़ रेलवे के हिसाब से ये बहादुरगढ़ आता है नॉर्दर्न जोन के दिल्ली डिवीजन में। यहाँ वहीं सेवेंटी एट 78 नंबर मेरा सीट है, यहाँ आकर बैठ जाइए, सामान भी यहीं कहीं रख दीजिए, यहीं पर सामान रख दीजिए, स्टॉप पर रख दीजिए ऊपर। इसको रख दीजिए ऊपर, नीचे घुसेगा, ऊपर भी ऊपर, ऊपर ही अभी ऊपर, हाँ ऊपर ही रख दीजिए। चलिए कस के खेलिए, बस 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 बस, ज़्यादा मत खेलिए, हो गया खेला गया, वहाँ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रोहतक जंक्शन, यहाँ इसका आने का टाइम है 8:18 में, आई है 8:48 में। रोहतक जंक्शन, अब ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आप जा सकते हैं पानीपत की और भिवानी की और रेवाड़ी की और इसके अलावा जिस और से हम जाएंगे धूरी और जाखल की और, यानी अच्छा खासा जंक्शन है ये रोहतक जंक्शन हरियाणा का। और दोस्तों यहाँ रोहतक में सबसे बड़ा कपड़ों का बाज़ार भी है और देश में सबसे ज़्यादा दूध की डेयरी इसी रोहतक शहर में मौजूद है। पहले इसका नाम रोहतासगढ़ था, रोहतासगढ़ को ही रोहतक कर दिया गया। अच्छा खासा हरियाणा का एक इंडस्ट्रियल टाउन है रोहतक,
बहुत लोगों को रोज़गार भी देता है। इस गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है, ये गाड़ी अभी भी यहाँ लेट पहुँची है। इसका यहाँ आने का टाइमिंग था 8:18 पर, लेकिन ये सरबत दभाला एक्सप्रेस पहुँची है यहाँ 8:48 पर। मिलते हैं जिंद में। मेरा सर D1 है 78। ऐसे किसी लड़के से करवा लिया करो जो मिल जाएगा रस्ते में। संगरूर जाइएगा, विदाउट टिकट है तो नई दिल्ली टू संगरूर लगेगा अप्लस 250 फाइन। किराया नई दिल्ली से संगरूर तक का अप्लस 250 फाइन जो नियम है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। धन्यवाद आपका। एक चीज है, इस्माइल ने बहुत चीज काम करा। आप नहीं संगरूर। तो अब हम पहुंच चुके हरियाणा का बड़ा और सबसे पुराना शहर जींद। जींद का जींद जंक्शन है। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो चली गई नरवाना की ओर, इस लाइन को छोड़कर यहाँ से आप जा सकते हैं सोनीपत पानीपत की ओर। और दोस्तों जींद में घूमने फिरने के लिए बहुत ही एक अच्छा जगह है। यहाँ के राजा रघुवीर सिंह ने भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था जो कि जींद का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मंदिर के चारों तरफ तालाब भी है, इसलिए इसे रानी तालाब भी बोलते हैं। फिलहाल ट्रेन हमारी जींद से चल चुकी है, जिंद में उतर नहीं पाए क्योंकि गाड़ी लेट है और जहाँ इसका रुकने का 2 मिनट वहाँ ये ठीक से 1 मिनट भी नहीं रुकती है। ट्रेन नंबर 04027 पहुँच चुकी है हरियाणा का जिंद जिले का नरवाना जंक्शन। अब ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो हम चले जाएंगे जाखल धूरी की ओर, इसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है और कैथल और कुरुक्षेत्र की ओर। दोस्तों इस रूट में जंक्शन स्टेशन बहुत ज़्यादा है, बाकी 4 प्लेटफॉर्म का बहुत ही साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है ये नरवाना जंक्शन। इसका यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप है और ये गाड़ी यहाँ भी आधे घंटे लेट है। चलते हैं अंदर। दिल्ली से लोहिया खास, मतलब जहाँ से ये गाड़ी चली है ना और जहाँ तक ये गाड़ी जाएगी, पूरा किराया है इसका सेकेंड सीटिंग का 180 रुपया और आपका टिकट है उमेश जी D3 में आपका कोच है। हाँ आपका है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, हाँ शकूर बस्ती से लुधियाना, तो इसका किराया तो यहाँ दिया हुआ है 184 रुपया दिया हुआ। 184 रुपया यानी कि 200 रुपया लिया होगा आपसे। कितना लिया? 250 यानी कि 50 रुपया इधर और लगभग वही 65 रुपया खाया है आपसे। वैसे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यदि मोबाइल में भेज देगा ना मैसेज, उस मैसेज को दिखाइएगा पीटी को और जो नाम है उस नाम का कोई भी आपका एक आईडी कार्ड, चाहे आधार कार्ड लाइसेंस या फिर पैन कार्ड कुछ भी हो, हाँ तो वो चल जाता है। हाँ ये जो इसमें नाम है ना, देखिए उमेश जी ये आपका इसमें नाम लिखा होगा उमेश यादव और आपका जो मैसेज में भी नाम लिखा रहेगा उमेश यादव, दोनों मैच खा गया तो टिकट आपका ही है क्योंकि आपको कुछ नहीं बोलेगा। इसका ये जो निकलवाए हैं ना इसका कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मैसेज, हाँ ठीक भी नहीं, ये भी ठीक ही है, निकाल लिया अच्छा किया। हाँ नई दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी सरबत द भला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है
जाखल जंक्शन। अब ये जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन तो आ रही है नरवाना की ओर से, इसके अलावा यहाँ एक और लाइन आकर मिलती है सिरसा हिसार वाली, और सीधे हम चले जाएंगे धूरी की ओर। 43 ट्रेनें फिलहाल यहाँ भी रुकती है और इस गाड़ी का यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप है। मिलते हैं धूरी जंक्शन में। ये ट्रेन अब सिर्फ 15 मिनट लेट है, 15 मिनट ये गाड़ी मेकअप कर चुकी है, ऑन टाइम हो जाएगी धूरी या फिर लुधियाना पहुँचते पहुँचते। अच्छा, जैसे ही हम जाखल स्टेशन पास किए, हम आ गए अब हरियाणा से पंजाब में, यानी जाखल स्टेशन जो है वो बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का, यानी अब हम पंजाब स्टेट में चल रहे हैं और लोहिया खास तक हम पंजाब में ही रहेंगे। ठंडा मीठा राबड़ी दही, ओ भैया ठंडा मीठा राबड़ी दही कितना करके है? कितना करके क्या? अरे दही बेच रहे कितना करके? दही 30 रुपये का है, राबड़ी 35 रुपये का है। दही 20 राबड़ी 35, दही 30 ये 35, दही दे दीजिए हमको, पास होगा? चार दिन से भटक रहे काहे हो? पूरी जंक्शन धूरी है। तो स्वागत है आपका पंजाब के संगरूर जिले के धूरी में, और ये है धूरी जंक्शन, और ये धूरी जंक्शन आता है नॉर्दर्न जोन के अंबाला डिवीजन में। और दोस्तों ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन तो आ रही जाखल की ओर से और हम जाएंगे लुधियाना की ओर, इसके अलावा यहाँ एक और लाइन आकर मिलती है राजपुरा पटियाला वाली, जो कि जाएगी सीधे भटिंडा की ओर। बाकी चार लाइनों का जंक्शन है ये धूरी जंक्शन, और चार प्लेटफॉर्म का स्टेशन भी है। आप खाना वाना खाए हैं? नहीं कुछ नहीं खाए। कुछ खाइएगा? हाँ कुछ खिला। आपका नाम क्या हुआ भैया? राम प्रकाश। ये राम प्रकाश भैया हैं, चार दिन तक ट्रेनों में ही भटक रहे हैं। आप एक काम कीजिए, जो खाना ले लीजिए, हम दे रहे हैं पैसा, जाइए आप थोड़ा लीजिएगा जल्दी है, ताकि ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। मिलते हैं लुधियाना में। राम प्रकाश भैया? हाँ भैया, दो और ले लो, खाओ जितना खाना है, भूखा नहीं रहने का, ठीक है? ये वाला कोच देखिए, मंडल प्रबंधक फिरोजपुर। ये सब करने से क्या फ़ायदा है? PNR नंबर है 2326948020 यहाँ पर लिख, मेरा नाम नहीं लिखेगा गणेश, और हम फीडबैक नहीं देंगे, गुड एक्सलेंट वेरी गुड ना। अच्छा आप लोग खुद कर लेते हैं, अगर अच्छा किसी का नंबर लीजिएगा ना तो दीजिएगा, ठीक है, सेंड कीजिएगा। हाँ यहाँ लगभग ट्रेन खाली हो जाता, देखे थे अम्मा, ये गाड़ी अगर देते ना अमृतसर तक, तब तक ये ट्रेन अच्छा खासा रहती है भरा, लेकिन ये गाड़ी जेता जलंधर से गाड़ी चला जाए कपूरथला लोहिया खास नहीं, समझ लो। तो नई दिल्ली से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन नंबर 04027 पहुँच चुकी है लुधियाना जंक्शन, ऑन टाइम दोपहर 12:25 पर, यानी अब ये गाड़ी राइट टाइम हो चुकी है। और इसके बाद आएगा जलंधर सिटी, और जलंधर सिटी से ये ट्रेन चली जाएगी कपूरथला की ओर, इसलिए लगभग 50% पैसेंजर इस ट्रेन के लुधियाना में ही उतर चुके हैं, और बचा कुचा जो है वो जलंधर तक जाएंगे। मिलते हैं आपसे सीधा जलंधर सिटी में। खाना खाए थे आपको? हाँ खाए। और कुछ खाना है? नहीं नहीं, खाना है तो बोलिए। नहीं मैं खा चुका हूँ। खा चुके हैं ना? हाँ, पहले। इसके बाद, हाँ इसके बाद आएगा आपका ही स्टेशन जलंधर। लगभग लुधियाना में खाली ही हो चुका है, गिने चुने लोग जो हैं वो जलंधर सिटी तक जाएंगे, और उसके बाद मेरे ऐसे लोग कपूरथला, सॉरी लोहिया खास जंक्शन तक। इस गाड़ी की रफ्तार तो काफ़ी अच्छी है, लुधियाना के बाद इसका सीधा स्टॉपेज है जलंधर सिटी जंक्शन। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और फिलहाल ट्रेन हमारी
चल चुकी है जलंधर सिटी जंक्शन से और अब ये गाड़ी अमृतसर वाली लाइन को छोड़कर चली जाएगी ये फिरोजपुर वाली लाइन में, कपूरथला वाली लाइन में। और यहाँ तक ये ट्रेन राइट टाइम ही रही, 385 किलोमीटर की दूरी हम यहाँ तक तय कर चुके हैं और यहाँ से लोहिया खास जंक्शन भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 52 किलोमीटर। और यहाँ देखिए पूरा ही लगभग ट्रेन खाली हो चुका है, एक भी आदमी नहीं है, ना इस ओर एक भी आदमी है, इस ओर बस एक आदमी है। तो स्वागत है आपका पंजाब के कपूरथला में, जहां है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, यानी जहां रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। और दोस्तों ये कपूरथला पंजाब का एक ज़िला भी है और गेहूं धान कपास इस ज़िले में, गेहूं धान कपास की खेती इस ज़िले में काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी इसके बाद आएगा सुल्तानपुर लोधी, लेकिन मिलता हूँ सीधा आपसे इसकी फाइनल डेस्टिनेशन लोहिया खास जंक्शन में। कपूरथला कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। अच्छा, ये जलंधर सिटी से फिरोजपुर वाली जो लाइन है, यही वाली लाइन इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, इसलिए इस ट्रेन को डीजल लोकोमोटिव दिया गया है। इस गाड़ी की साफ़ सफाई एकदम A1 है, हाउसकीपिंग वाले ट्रेनों में ज़रा सा भी कचरा नहीं रहने देते हैं। अच्छा, लोहिया खास पहुँचने के बाद यही ट्रेन फिर नई दिल्ली जाएगी वापस, शायद इसलिए साफ़ सफाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यह ट्रेन हमारी लोहिया खास जंक्शन पहुँचने वाली है। तो फाइनली नई दिल्ली से लगभग 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी सरबत द भला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन लोहिया खास जंक्शन। ये आता है पंजाब के जलंधर ज़िले में और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से इस जलंधर फिरोजपुर लाइन के अलावा यहाँ से एक और लाइन गई है नकोडर की ओर। बाकी ट्रेन अपने समय पर ही पहुँची है, 2:50 में इसका यहाँ पहुँचने का टाइम था तो 2:50 में ही पहुँची है और अब यही गाड़ी 3:35 पर वापस जाएगी नई दिल्ली के लिए। बाकी जर्नी अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लोहिया खास जंक्शन।